गुड मॉर्निंग किड्स गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग हाउ आर यू किड्स वेलकम टू नीट ऑपर चैनल कैसे हो बच्चों लंबे इंतजार के बाद मैम आ चुकी है आपके सामने ठीक है यस गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जी आर्मी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग नीट मंत्र को आप लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया थैंक यू सो किड्स थैंक यू सो मच आज मैं आपको बता दूं आज मैम ने मॉक टेस्ट नहीं रखा है मंडे को मॉक टेस्ट नहीं होंगे क्योंकि मंडे को आपका होता है

ठीक है दवा दब पूछो मैम से डायरेक्ट कनेक्ट करो तो बेटा आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं तो हमें बहुत मजा आता है और आपको बच्चों क्या नीट टॉपर्स का टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते नोटिफिकेशन उसके बाद आते हैं बच्चों यहाँ पे सब्सक्रिप्शन पे कितने सारे बच्चे कहते हैं कि मैम हमें बायो पढ़ना है बेटा देखो जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना तो आपको सारे सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन मिलता है ठीक है तो यानी कि आप किसी भी सब्जेक्ट को किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं तो अभी नए बैचेस भी शुरू हुए बहुत सारी लगातार प्रोड्यूस किया हर साल ठीक है तो आप इनके बैचेस में एनरोल करके अपने नीट की प्रिपरेशन धमाकेदार तरीके से कर सकते हैं यहीं पे मैं आपको बताऊँ तो बारह महीने और ट्वेंटी मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं जितना बड़ा सब्सक्रिप्शन उतने कम पैसे आपको देने पड़ते हैं तो अल्टीमेटली आप एक महीने का लोगे तो वो महंगा पड़ेगा छह महीने का लोगे तो सस्ता पड़ेगा बारह का लोगे तो और सस्ता पड़ेगा यहाँ पे आपको यूज करना है जीए नीड रेफरल कोड ये कोड लगाते ही आपको टेन परसेंट ऑफ मिल जाता है अपने प्लस सब्सक्रिप्शन पे जहां पे आप मुझसे भी पढ़ सकते हैं ठीक है यस बिल्कुल अब आते हैं नेक्स्ट बच्चों अनअकैडमी कॉम्बैट यहाँ पे हर संडे सुबह ग्यारह बजे आपका ये टेस्ट होता है जहां पे आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उसे एनरोल करने के लिए भी आप जीएन कोड यूज कर सकते हैं फ्री एनरोलमेंट बच्चों आपको मिल जाएगा तो आज पेपर की तैयारी शुरू थोड़ा नर्वसनेस तो नहीं फील हो रही मुझे नहीं लगता जी जिसपोर आर्मी को नर्वसनेस फील होती है जी स्पेर आर्मी इतना टेस्ट दे चुकी है इतना टेस्ट दे चुकी है कि अब तो इनका ये होता है कि अब आने दो यार और जैसे टेस्ट ओवर हो जाए मेक श्योर यू आर शेयरिंग क्वेश्चन विद अस ठीक है जो भी आपको लगता है प्रॉब्लम प्लीज हमसे अपने रिजल्ट जरूर शेयर करना आज पूरा दिन टेलीग्राम ग्रुप ऑन रहेगा मैं लॉक नहीं करूंगी आप आराम से उसमें पोस्ट करना मैं वेट करूंगी आपके रिजल्ट का मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ तुम लोग के लिए हम्म ठीक है यस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मैं तो वेट कर रही करू कब बच्चे फटाफट से मुझे रिजल्ट भेजेंगे ठीक है चलिए तो अब हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं फॉर्मेंटेशन आज का लेक्चर थोड़ा लंबा होगा श दिस चैप्टर टूडे ठीक है कर ले बेटा आज क्योंकि सेंस हमारी मॉक टेस्ट की क्लास नहीं एक बजे वाली तो ये वाली क्लास को हम थोड़ा सा लंबा ले सकते हैं क्या कहते हो बेटा थोड़ा सा लंबा ले सकते हैं ना चलिए आ जाइए

ये वाला प्रोसेस अभी तक हमने साइटोप्लाज्म में किया मिला मुनाफा कितना हुआ बेटा एट एटीपी का टोटल एटीपी जो आपको मुनाफा होता है ग्लाइकोलाइसिस में वो कितना होता है आपका आठ एटीपी का होता है अब इस फिर एसिड से आगे क्या बनेगा कब कौन सी प्रोसेस होगी ये हमको आगे जानना है ठीक है चलिए इन फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन कहां कहां यूज होता है चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं फर्मेंटेशन यीस्ट कराता है ये फर्मेंटेशन दो तरीके की होती है एक वो जो आप इडली बनाने में इस्तेमाल करते हैं वो जो आप नान बनाने में इस्तेमाल करते हैं फर्मेंटेशन इसे हिंदी में बोले तो खमीर उठाना कहते हैं क्या कहते हैं हिंदी में इसे खमीर उठाना ठीक है इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा आप यीस्ट डाल देते हैं आपने देखा होगा आजकल फूड ब्लॉगर्स को और वो अपना आटा आधे घंटे के लिए कपड़ा ढक के रख देते हैं ठीक है क्यों क्योंकि वो खमीर उठा रहे हैं जिस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं तो ये जो यीस्ट है इसे हम बेकर भी बोलते हैं बेकर्स यीस्ट क्योंकि ये बेकरी में यूज होती है जो भी आप ब्रेड्स वगैरह खाते हैं इसे ब्रूअर्स यीस्ट भी बोलते हैं ठीक है जब छोड़ के भाग जाती है ठीक है तब जो साथ ही होता है वो इसी से ही मिलता है ब्रूअर्स यीस्ट ठीक है अब यहां पर ब्रूअर्स यीस्ट क्या है दोनों एक ही चीज है बस नाम अलग है साक्रो माइसिस ये है आपकी यीस्ट ठीक है यीस्ट क्या होती है यीस्ट एक तरह का फंजी है या नहीं है येस्ट एक तरह का फंजी है या नहीं है जल्दी से मुझे चार्ट बॉक्स में बच्चे बताएंगे तब तक मैं इतने नेक्स्ट पॉइंट लिख देती हूँ कि येस्ट जो होता है यूनिसेलुलर यू केरियोटिक होता है ये यूनिसेलुलर यू केरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो हैट्रोट्रोफिक इन नेचर है क्या ये हेट्रोट्रोफिक इन नेचर होता है इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है बडिंग तरफ बर्डिंग होती है तो ये सब तो थोड़ा सा क्या है बाहर की तरफ से है बिल्कुल बेटा बिल्कुल सही है जी है है जी है हरजीत हर बिल्कुल सही ठीक है अब हम आगे चलते हैं इन्फॉर्मेंटेशन यीस्ट यीस्ट के बारे में हम सारी इंफॉर्मेशन लिख चुके हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज तो यहां पर जो ऑक्सीडेशन हो रही है ग्लूकोज की वो इनकम्प्लीट हुई है इज अचीव अंडरोबिक कंडीशन यानी कि यहां पर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है नो ऑक्सीजन बाई से तो यानी कि जो पिरोविक एसिड है फर्मेंटेशन के केस में हम यहाँ पे लिख लेते हैं फर्मेंटेशन के केस में यही पिरोविक एसिड ये तीन कार्बन का है तो यहाँ पे एक कार्बन का सीओ टू मिलेगा और सीओ टू के साथ मिलेगा इथेनॉल क्या मिलेगा इथेनॉल यही सीओ टू यीस्ट में काम आता है क्योंकि आटे को फुला देता है ठीक है वहीं पे जो आपका इथेनॉल है वो ग्रुअरी इंडस्ट्री में काम आता है क्योंकि से मदिरा बनती है है ना खेमू क्या बनती है बेटा खेमू मदिरा बनती है ठीक है बच्चों ना द एंजाइम सबसे पहले इथेनॉल में कितने कार्बन है जल्दी से बताएंगे चार्ट बॉक्स में इथेनॉल में टू कार्बन और एल्कोहोलिक ग्रुप होता है द एनजाइन पिरोमिक एसिड डी कार्बोक्सिलेज अब क्या है इंजाइम का नाम है पिरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज तो इसको जरा मार्क करेंगे कार्बोक्सिलेज का मतलब है जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स कर रहा है और डी कार्बोक्सिलेज का मतलब है जो कार्बन डाइऑक्साइड को हटा रहा है ठीक है ये yes, बेटा तो इस इंजाइन का मतलब क्या हो गया इट इज एन इंजाइन विच इज गोइंग टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड सो दिस इंजाइन रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है एंड अल्कोहल डी वहीं पे अगर इंजाइम काम कर अल्कोहल एल्कोहल देन दिस डिस रिएक्शन तो यहां पे दो इंजाइम की जरूरत पड़ रही है बच्चों कौन कौन से दो इंजाइम है तो इस वाले रिएक्शन के लिए अगर हम इंजाइम लिखेंगे तो पहला इंजाइम हम लिखेंगे पिरुविक एसिड डी कार्बोक्सी क्योंकि हमें एक कार्बन डाइऑक्साइड हटाना है तो एक कार्बन हमने हटा दिया और दूसरा इथेनॉल बना रहा है कौन अल्कोहल डी कौन बना रहा है अल्कोहल डी तो ये इसका काम है इसका काम ये है क्या सबको यहाँ तक क्लियर हो गया ये लाइन अब आते नेक्स्ट लाइन पे अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरियाज है उस बैक्टीरिया का नाम क्या है बॉक्स में कौन मुझे बताएगा द नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज लैक्टोबैसिलस क्या नाम है बैक्टीरिया का बच्चों? लैक्टो बैसिलस

No CO2 evolution evolved. ठीक है ये हो गया आपका पिरोविक एसिड एंड फॉर्मेशन अकर्स दही में भी हो सकता है बट ये मसल्स में भी होता है ठीक है जिसके कारण फटीग हो जाता है फटीग नहीं फैटीग होता है ठीक है बच्चों? नाउ द नेक्स्ट द स्टेप्स इन्वॉल्व आर शोन इन 14.2. अभी हम करेंगे उसको इन एनिमल सेल आल्सो लाइक मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज When oxygen is inadequate for cellular respiration, यानी कि जब मसल सेल के पास क्या नहीं पहुंच रही है बच्चों ऑक्सीजन तो जब मसल सेल के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो उस समय एसिड रिड्यूस हो जाता है किसमें लैक्टिक एसिड में और जो एंजाइम यहां पे चाहिए वो कौन सा चाहिए लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस तो कौन सा इंजाइम चाहिए लैक्टेट डिहाइड्रोजिनियस फटाफट से इसका इक्वेशन भी लिख लेते हैं तो ये हमारा पेरोविक एसिड ये हमारा पेरोविक एसिड इंजाइम हमने यूज किया लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस जब भी इंजाइम डिहाइड्रोजिनेस यूज होगा तब तक रिडक्शन होगा रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन तो पेरोविक एसिड से हमने बना दिया लैक्टिक एसिड और ये चीज कहां पे हो रही है जब ऑक्सीजन एबसेंट है व्हेन ऑक्सीजन इज एबसेंट और ये रिएक्शन पे होता है और लैक्टिक एसिड से क्या होता है? थकावट. थकावट को अंग्रेजी में हम बोलते हैं फैटी ठीक है इसकी एक स्टोरी बताएगी मैम इसे और अच्छे से क्लियर करने के लिए चलिए मान लीजिए हमारे पास कौन है फटाफट से किसी लड़के का नाम नहीं आ रहा क्या बात है सारी है क्या मेरे सेशन में लड़के कहा है भाई सोलह सौ सो बच्चे हैं चैट ऐसे चल रही जैसे पांच बच्चे बैठे हो कहा, है, नाम कहा है लड़कों को राहुल चलो राहुल शर्मा है हमारे पास राहुल शर्मा को अभी प्यार हुआ है राहुल शर्मा ने देखे अरे यार मेरा तो पेट बहुत ज्यादा है लड़की शायद रिजेक्ट कर सकती है तो राहुल ने कहा कि हम जिम जाएंगे ठीक है तो हमारा राहुल चला गया जिम जिम जाते उसने कहा अरे ट्रेडमिल क्या होता है ठीक है ट्रेडमिल क्या होता है कुछ नहीं होता तो वहां पे फटाफट से राहुल दौड़ रहा है दौड़ रहा है मेरा प्यार 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 मेरा सच्चा प्यार ठीक है बहुत दौड़ा फिर उसने कहा अरे ये क्या है इसको तो मैं एक हाथ से उठा लू तो उठा भी लिया हमारे राहुल ने ठीक है राहुल कहता अंजलि तुम मेरी हो तो राहुल बिल्कुल बढ़िया से हो गया अब राहुल के साथ क्या हुआ ना जब वो घर आया तो उसने कहा अरे मम्मी यहाँ पे कुछ बाम लगा दो मोह लगा दो क्योंकि क्या है ना बहुत दर्द हो गया है तो बेटा दर्द से ही तो प्यार होता है राहुल का प्यार सच्चा है ठीक है राहुल लेव द ये भी लिख दो न चार्ट सेक्शन में तो यहाँ पे आपको देखना होगा क्या कि यहाँ पे जब जब फैटिग होता है तब तक दिल में प्यार होता है ठीक है बच्चों तो वो क्यों हो गया इतना सारा क्योंकि उसने एक्सरसाइज दबा के कर दी ठीक है और जब इतनी ज्यादा एक्सरसाइज की तो मसल तक तो ऑक्सीजन जा नहीं रही है तो लैक्टिक एसिड हो गया अगले पांच दिन तक राहुल शर्मा हमारे जिम में नहीं दिखा बच्चों ठीक है स्टोरी समझ आई कि नहीं आई तुम्हें तो दैट लैक्टिक एसिड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फटी टायर्ड हो गया वो कहता है चलो अंजलि तुम चली जाओ अपने राज के पास अपन ऐसे ही खुश है ठीक है चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं द रिड्यूसिंग एजेंट इज प्लस तो हमेशा जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो एनडीएच प्लस एच प्लस होगा ठीक है Which is to NAD+ in both the processes. तो processes NADH plus H+ plus which act as the reducing agent. अब नेक्स्ट पे आते हैं इसको पढ़ते हैं ये है मेन इसको समझना जरूरी है चलिए आइए इसको समझते बेटा मैन राहुल मेजर पाथवे ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन चलिए मेजर पाथवे इस पे आते हैं चलिए देखते इधर तो सबसे पहले फोस्फो इनोल पिरो फॉसफो इनॉल एसिड है ठीक है ये कहां से बन रहा है ये यहां से बन रहा है तो इतना हिस्सा तो आपको तो वापस ग्लाइकोलिस समझा रही है इतना हिस्सा एनसीआर का वापस क्या है ग्लाइकोलिस इतना हिस्सा यहां पे ऐसे आप मार्क कर सकते हैं ये पूरा का पूरा क्या आपका ग्लाइकोलिस है जो कहां पे चल रहा है बच्चों साइटोप्लाज्म में चल रहा है बिल्कुल भी कंफ्यूज ये आना मत बिल्कुल भी नहीं ठीक है अब पेरोविक एसिड की डेस्टिनी है अब डेस्टिनी ने क्या चलिए देखते हैं इधर पेरोविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनाया लैक्टिक एसिड बनाया रिडक्शन हुआ रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा यूज किया रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज किए एनएडीएच प्लस एच प्लस तो यहीं पे लिखेंगे ये होता है रिड्यूसिंग एजेंट ये होता है रिड्यूसिंग एजेंट और ये होता है उसका ऑक्सीडाइज फॉर्म ये है उसका ऑक्सीडाइज फॉर्म लिखा कि नहीं लिखा सबने एक एक शब्द लिखेंगे लेंगे एनसीआरटी का जैसे कि कभी कंफ्यूजन ना हो तुम्हें नीट एग्जाम में और एंजाइम कौन सा यूज किए हैं लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम कौन सा यूज किए हैं लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेस ठीक है वहीं पे पिरुविक एसिड से वापस से रिड्यूसिंग एजेंट क्या यूज किए हो एनएडीएच प्लस एच प्लस क्या बना दियो एनएडी प्लस ठीक है एनर्जी खर्च की हो यहाँ पे नहीं क्यों कहोगे हाँ किए हैं मैम और यहाँ पे इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है तो ये जो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड है दो की मदद से बनता है जल्दी से बताइए बॉक्स में दोनों एंजाइम क्या लिखी थी एनसीआरटी पहला पहले एंजाइम लिखे पिरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज डी कार्बोक्सीस पे दूसरे का क्या नाम लिखे एनसीआर दूसरा एंजाइम कौन सा था जी बताइए सब हम ही बताएंगे क्या यहां पे यस ये हो गया दूसरा एंजाइम अरे मैं ही स्किप कर गया। मेरे दिमाग से स्किप हो गया अल्कोहल डी हाइड्रोजिनेस एल्कोहल डी हाइड्रोजिनेस ठीक है ये वाला जो रिएक्शन है इतना वाला जो हिस्सा है ये कहां पे हो रहा है मसल सेल में हो रहा है मसल सेल इन एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन वहीं पे ये वाला जो रिएक्शन है ये कहां पे हो रहा है यीस्ट में हो रहा है इन एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन ठीक है बेटा यह आपको समझ में लग गया पूरा डन अब आते पढ़ते इसकी थ्योरी ये सारा हमने लिख लिया है जो एनसीआरटी ने अभी तक तो हमें बताने की कोशिश की थी यहां पे आप एनर्जी खर्च कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए ठीक है इन बोथ लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन नॉट मच एनर्जी इज रिलीज पहली चीज यहां पे एनर्जी तो मिल नहीं रही है ठीक है

यानी कि जो यीस्ट बना रही है वो खुद के लिए ही जहर बना रही है ठीक है अगर यीस्ट ने ज्यादा अमाउंट में अल्कोहल बना दिया तो वही अल्कोहल उसके लिए जान लेवा हो जाएगा और जान लेवा को हम क्या कहते हैं ठीक है आईदर एसिड और एल्कोहल इज प्रोड्यूस इज द नेट एटीपी दैट इज सेंड अब हमें देखना है कि कितना एटीपी प्रोडक्शन हुआ ठीक है चलिए ये इंपॉर्टेंट चीज है इसको हमें करना है कैल्कुलेट हाउ मेनी एटीपीसाइज एंडक्ट द नंबर ऑफ एटीपीलाइज ड्यूरिंग ग्लाइकोलिस एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को फॉर्मेंट कर रहे हैं टू एल्कोहल और लैक्टिक एसिड ये वही चीज आ गई पॉइजन देन सेल्स टू डेथ वेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्कोहल रीच इज अबाउट थर्टीन परसेंट यानी कि अगर ये थर्टीन परसेंट से ज्यादा अल्कोहल बना दिया तो यीस्ट खुद ही मर जाएगी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन छुपी हुई लाइन है मार्क करना हर बच्चे को ये 13 परसेंट ठीक है देन वुड बी द मैक्सिम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्कोहल इन बेबेज दैट आर नेचुरली फर्मेंटेड तो बेटा जो नेचुरली फर्मेंट हो रही है जिनमें आपने दखल नहीं दी उसका अल्कोहल कंटेंट कितना हो सकता है मैक्सिमम थर्टीन परसेंट क्योंकि अगर इससे ज्यादा हुआ तो यूसटी मर जाएगी तो जहर पियोगे क्या नहीं तो तेरह परसेंट एल्कोहल तक नेचुरली बन सकता है अगर उससे ज्यादा आपने करना है तो आपने यहाँ पे ह्यूमन का यूज करना पड़ेगा ठीक है यस yes.

जरूरत से ज्यादा पैसा भी नुकसान ही करता है क्योंकि वो हवा सर पे चढ़ता है पैसा और जब वो सर पे चढ़ता है ना तुम गलतियां करते हो इसलिए ऑलवेज स्टे एट ग्राउंड हमेशा धरती से जुड़े रहे ना जिंदगी में चाहे कितने भी अच्छे डॉक्टर बन जाओ बिल्कुल चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं बच्चा वॉट देन इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म कैन कैरी आउट कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोन एक्सट्रैक्ट द एनर्जी सोर्ट देखो बेटा यहाँ पे सवाल पूछिए एनसीआर एनसीईआरटी बट तुम्हें कुछ पता ही नहीं है तो मैं आपको सीधा बता देती तो, हूँ इन दोनों ही प्रोसेस में जब आप लैक्टिक एसिड बनाते हैं तो आपको दो एटीपी का फायदा होता है नेट गेन और यहां पे भी आपको दो एटीपी मिलता है इसको लिख लेना एनसीआरटी ने लिखा नहीं है बट क्वेश्चन अक्सर आता है यहां से तो आप ये लिख सकते हैं यहां पे, ठीक है यस yes, बिल्कुल नाउ व्हाट देन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स कैन कैरी आउट कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड एक्सट्रैक्ट द एनर्जी स्टोर टू एटीपी मिल जाए की बात हो रही है पॉइंट टू बी नोटेड दी स्टेप टेक प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया और ये सारे स्टेप किसमें होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं एंड दिस रिक्वायर्स ऑक्सीजन तो एरोपीरेशन

ग्लूकोज से बना पेरोविक एसिड आज क्या हो गया इसको पेरोविक एसिड पेरोविक एसिड से हमने बनाया सीओ टू वॉटर एंड एनर्जी तो पहला क्वेश्चन जो एनटी के मॉक टेस्ट में भी था एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है जल्दी बताइए बेटा एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है मैं आपको बता दूं बेटा दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज एक्सो रिएक्शन क्या ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि बेटा यहां पे एनर्जी निकल रही है ठीक है चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं बेटा एरोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन चलिए पे आते नाउ वी गोना स्टार्ट विद सेकंड मेजर पार्ट तो अभी तक हमने एरोसिस कर लिया है हमने फर्मेंटेशन कर लिया है हमने लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन कर लिया है नाउ इट्स अ टाइम वी विल स्टिक टू क्रैप साइकिल चलिए स्टार्ट करते हैं एंड इट इज अगेन गोइंग टू बी अ वेरी सिंपल साइकिल ठीक है डरने का नहीं चलिए For aerobic respiration to take place within the mitochondria, the final product of glycolysis, that is pyruvate, pyruvic acid, is transported from the cytoplasm into the mitochondria. So, सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है link reaction. सबसे पहले क्या करना है बच्चों इसको क्या कहते हैं link reaction. Link reaction कहता है कि pyruvate को उठा के सबसे पहले mitochondria में डाल दो. ठीक है तो ये आपका है cell. सेल के अंदर है ये है न्यूक्लियस ये है साइटोप्लाज्म और ये है माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है यहां पे है पिरुवेड यहां पे पड़ा आपका पिरुवेट इस पिरुवेट को आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेजना है और जब पिरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है द रिएक्शन इज कॉल्ड एज लिंक रिएक्शन क्या कहते हैं तो उस रिएक्शन को लिंक रिएक्शन बोलते हैं सो इट इज नाउ गोइंग टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया चलिए आगे देखते हैं क्या क्या इवेंट्स तो होंगे फर्स्ट कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पिरुड बाई द स्टेप रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन आटम लिविंग थ्री मोलिक्यूल रिमोट्रोजन टू मॉलिकुलर ऑक्सीजन विद साइमटेर कहना क्या चाह रहा है बहुत ही जबरदस्त अंग्रेजी यूज की गई है हमारे पिल्लू को समझ नहीं आया पिल्लू कह रहे मा मैम हेल्थ एनसीआर टी समझाती है बट समझ आदमी का नहीं यस

फिर आपने उसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फेंका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब फेंका तो इलेक्ट्रॉन उछला उछलते उछलते आपको मिला एटीपी आगे बेटा यस yes. अच्छा पिल्लू बेटा पिल्लू बहुत कंफ्यूजिंग है यस yes. चलो कोई नहीं ये हो गया ठीक है ना वट इज इंटरेस्टिंग टू नोट इज दैट द फर्स्ट प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द मैट्रिक्स ऑफ माइट्रोकॉन्ड्र यानी हाइड्रोजन को खींचने का काम कहा होगा हाइड्रोजन को खींचने का काम होगा मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में तो यानी ये वाला जो स्टेप है ये कहां पे हो रहा है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में ठीक है हाइड्रोजन को रिमूव कराने का काम कहां होगा मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में अब हाइड्रोजन को खींच लिए जमा कर लिया अब इलेक्ट्रॉन को छालने का बारी है इलेक्ट्रॉन कहां उछालेंगे ये देखते हैं. चलो नाउ व्हाई द सेकंड प्रोसेस यानी इलेक्ट्रॉन उछालू प्रोसेस लोकेटेड ऑन द इनर मेमब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया तो यानी जो इलेक्ट्रॉन उछालू प्रोसेस है यहां पर हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन उछालू प्रोसेस ये प्रोसेस कहां पर होता है बच्चों दिस प्रोसेस अकर्स इन द इनर में माइटोकॉन्ड्रिया क्या यह दोनों स्टेप सबको क्लियर है क्या सब कुछ क्लियर है इसका देसी मतलब जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में हर एक बच्चे को इसका देसी मतलब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ठीक है चलिए फिर से आते आते हैं हैं अब यहां पे पे इस वाले स्टेप पे. Now, pyruvate. Pyruvate है हमारे पास बिल्कुल सही बात है पिरोविड विच इज फॉर्म बाय द ग्लाइकोलिटिक कैटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द साइटोसोल आफ्टर इट एंटर्स इनटू माइटोकॉन्ड मैट्रिक्स अंडर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन वेट पहले इसका मतलब समझेंगे ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सीन का मतलब क्या है? जल्दी से चार्ट बॉक्स में बताइए ऑक्सीडेटिव मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब है, दिस इज़ अ प्रोसेस अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इज Remove. भाई आया मतलब तो समझ में एक एक वर्ड को समझना है बच्चों तो यहां पे सबसे पहले आपने पिरुवेट बनाया पिरुवेट है कहां पे साइटोप्लाज्म में इसे अब आपने माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में भेजना है तो आपको प्रोसेस करानी पड़ेगी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ठीक है एंड दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज बाय पिरुविड डीहाइड्रोजिनेज कौन करा रहे हैं पिरुविड रिएक्शन कैटेलाइज बाय पिरुविक डीहाइड्रोजनिस रिक्वायर पार्टिसिपेशन ऑफ सेवरल इंक्लूडिंग एनएडी प्लस क्योंकि क्या 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 होता है? ये क्या है? क्या है? ये है ये ये ठीक है बच्चों? अब यहां पे क्या हो रहा है देखिए ये पिरुविक एसिड है जो साइटोप्लाज्म में इतना हिस्सा साइटोप्लाज्म में है, है. ये पर लिंक रिएक्शन हो रहा है

ऑफ टू कार्बन ये दो कार्बन का है। आ गया सबको समझ में क्लियर है ठीक है सो so, जब आपने पिरोविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में भेजना है ये सब कहां पे मिलेगा आपको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में तो ये साइटोप्लाज्म और मैट्रिक्स को कनेक्ट कर रहे हैं इसलिए लिंक रिएक्शन बोल रहे हैं सबसे है पिरुविक एसिड एंजाइम का नाम क्या है डीहाइड्रोजिनेस ठीक है

जाओ बच्चों शॉर्ट समरी तुम लोग ना ऑन मेहनत कराते हो मैं अगर कभी सोच लू ना मैं छुपके से जल्दी से निकल जाऊं हो नहीं सकता कभी नहीं हो सकता चलो शुरू करते हैं ग्लूकोस ग्लूकोस से बनाया पिरुविक एसिड सब माम के साथ बार बार लिखेंगे जब तक ये चैप्टर बिल्कुल डीएनए में ना आ जाए ठीक है अब ग्लूकोस से पिरुविक एसिड बनाया कितना एटीपी एट, एट एटीपी मिला प्लस एटीपी मिले एनर्जी निकल रही हमने साइटोप्लाज्म से भेजना है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में तो जब हमें इसको भेजना है तो एंजाइम कौन सा यूज किया मेरे बच्चों पिरुवेट डी डीहाइड्रोजिनेस सॉरी डीहाइड्रोजिनेस और इस रिएक्शन में जो चीज ऑक्सीडाइज फॉर्म में प्रेजेंस होती है वो कौन सी होती है एनएडी प्लस को तो जब हमने ये चीज इसके साथ लगाई तो हमको यहां पे क्या मिला कार्बन डाइऑक्साइड एसीटाइल को और मिला एनर्जी मॉलिक्यूल एनएडीएच प्लस एच प्लस अब सवाल ये उठता है पिरुविक एसिड ग्लूकोज से कितने बने थे पेरुविक एसिड ग्लूकोज से कितने बने थे जल्दी बताइए चार्ट सेक्शन में कितने बने थे बच्चों यहाँ पे दो बने थे बने थे या नहीं दो बने थे ये कार बन गए का का अब दो पेरुविक एसिड से सब कुछ ये भी दो बनेगा तो इन टू में टू तो यानी कि जब इसका इनकेशमेंट होगा जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरेगा तो कितना मिलेगा या तीन या छे चलिए बताइए तीन या छ कितना एटीपी हाथ में लगेगा मेरे बच्चों के यहां पे टू एन तो आपको मिलेगा सिक्स एटीपी टीपी एटीपी थ्री इंटू टू तो वाले लिंक रिएक्शन में भी फायदा कितना लेकर आएगा एटीपी का तो अब तक तो टोटल एटीपी यहां तक अगर हम काउंट करें टोटल ए यहां तक कितने बन चुके हैं आठ आठ प्लस छ एट प्लस सिक्स कितना हुआ फोर्टीन कितना हुआ फोर्टीन एट भी यहां तक आप फायदा उठा चुके हैं अब इस क्लियर है सबको यहां तक अब आगे चले बच्चों, चलिए अब आगे चलते हैं आई होप यहां तक हर बच्चे को कैलकुलेशन क्लियर होगी प्रोडक्ट क्लियर है क्या आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है क्या ऑक्सीडाइज होता है क्या डिकार्बोक्सीन होता है एक एक शब्द समझ में आ चुका होगा ठीक है अब आगे चलते हैं

जनरली टीचर बींग एनसीआर लिखी ऐसे गई है कि वो समझ ही ना जाए yes. तो बेटा कोई डिफरेंस है नो no. ठीक है छोटी छोटी चीजें जो आप लोग कभी कॉन्सेप्ट नहीं बनाते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ तो, का मतलब होता है जिसने पहली बार दर्शाया ठीक है क्या मतलब है इसका दर्शाना ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट टीसीए साइकिल टीसीए साइकिल के सारे नाम लिख लेते हैं बेटा जितने हमको पता है इसका नाम है क्रैप साइकिल इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं तो पहले तो इसके सारे नाम लिख लेते कि हम कभी कंफ्यूज ना हो ठीक है अब आ जाओ द टी सी साइकिल स्टार्ट कंडेंसेशन कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है बॉन्ड बनना और पानी बाहर निकलना यही मतलब होता है ना चैट बॉक्स में बता दो मैम को। तुम्हारी ना केमिस्ट्री को भी थोड़ा सा हम यहां पे ला रहे हैं क्योंकि केमिस्ट्री भी इस चैप्टर में आएगी कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है जहां तक मुझे पता है कंडेंसेशन का मतलब इसका मतलब होता है कि बॉन्ड बना रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन विद रिमूवल ऑफ स्यूट एच टू देखो इतना मुझे पता है इसके अलावा मुझे नहीं पता है इतना मैंने समझा ठीक है येस बिल्कुल चलो आज नेक्स्ट पे आते हैं फर्स्ट स्टेप यहाँ पे लिखे तो फर्स्ट स्टेप क्या है जो की दो कार्बन का है वो किसके साथ मिल रहा है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ मिल रहा है यानी ये हो गया ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ये दो कार्बन का ये चार कार्बन का तो टोटल कार्बन कितने मिले मेरे बच्चों सिक्स कार्बन और सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं सिट्रिक एसिड तो ये हो गया आपके छह कार्बन तो जब हम ये बॉन्ड बना रहे थे इन दोनों के बीच में देखो कंडेंसेशन, बॉन्ड बनी सिट्रिक एसिड बना और इस स्टेप पे क्या निकला होगा पानी इस स्टेप पे बाहर क्या निकला होगा पानी ठीक है अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते आखिर क्या है नेक्स्ट स्टेप चलिए आइए देखते हैं सो एसिटाइल ग्रुप विद वेलो एसिटिक एसिड एंड वाटर क्या मैम ने यही सेम चीज लिखी है नहीं लिखी है यस वाटर टू यील्ड सिट्रिक एसिड हो गया बच्चों डन चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम सिट्रेट सिंथेस ठीक है अब यहां पे देखो दो तरह के एंजाइम होते हैं एक सिंथेस और एक सिंथेटेस आपने सुना है या नहीं सुना है हाँ बेटा अपन वर्स्ट है चलो ना निकलो यहाँ से आप बहुत अच्छे बच्चे हो निकलो इरिटेट ना करो चलो देखो इधर आ जाओ मेरे नजर यहाँ पे दो तरह के एंजाइम होंगे जो आप अक्सर पढ़ते हैं एक एंजाइम होता है सिंथेस और एक एंजाइम होता है सिंथेटेज आपने सुना है या नहीं सुना है अक्सर बच्चों को इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूजन रहती है तो सिंथेस वो एंजाइम है जो बना रहा है इन द एब्सेंस ऑफ एटीपी ठीक है तो यहाँ पे कुछ चीज का निर्माण हो रहा है इन एबसेंस ऑफ ए टी पी यानी कि यहां पर ए टीपी की जरूरत नहीं है ठीक है वहीं पर अगर हम बात करें इसकी सिंथेटिक यहां पर भी कुछ बन रहा है बट इन द प्रेजेंस ऑफ ए टी पी तो यहां पर कुछ बन रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ए टी पी तो यहां पे सिट्रेट सिंथेज है यानी कि इस स्टेप पे एनर्जी नहीं लगेगी तो इस स्टेप को, इस रिएक्शन को करने के लिए जो इंजाइम आपने लिया वो क्या था सिट्रेट 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 क्या था सिट्रेट सिंथेज। सिट्रेट सिंथेज। ठीक है अब नेक्स्ट पे आते हैं एंड मॉलिक्यूल ऑफ को इंजाइमे इज रिलीज और इसी के साथ पानी के साथ और क्या निकला को जो वापस से लिंक रिएक्शन में यूज हो जाएगा तो जो चीज यहां से निकली वो लिंक रिएक्शन में वापस से रिसाइकल हो जाएगी द रिएक्शन नाउ सिट्रेट इज देन आइसोमराइज यानी कि जो सिट्रेट है वो आइसोमराइज हो रहा है किसमें आइसो सिट्रेट में तो सिट्रेट इज बीइंग चेंज इनटू आइसो सिट्रेट आइसोमर ये भी छह कार्बन और इसके अंदर भी कार्बन कितने होंगे छह कार्बन तो यहां पे भी होंगे सिक्स कार्बन ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट

नो, no. आंसर क्या होगा बच्चों? No. नो यहां पे ये अमीनो एसिड नहीं है इट इज जस्ट एन एसिड इट इज नॉट अमीनो एसिड ये आपको ध्यान में रखना एनटीए का क्वेश्चन रह चुका है ठीक है तो अब जब हम आइसोसिट्रेट से डी करेंगे यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हटाएंगे आपको मिलेगा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड इसमें कितने कार्बन होंगे बच्चों कितने कार्बन होंगे पांच कार्बन ये कितने कार्बन का बचा पांच कार्बन क्योंकि छे से शुरू किया था एक कार्बन डाइऑक्साइड हटा दिया तो कितना बचा पांच कार्बन ठीक है यहां पे आ गया चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं एंड देन कोएंजाइम अब यहां पे एक बार पूरी साइकिल को समझ लेते हैं बच्चों ठीक है बच्चो? हाँ ऐसी भाषा इस्तेमाल करोगे तो बेटा कुछ समझ नहीं आएगा तो थोड़ा सा क्लास में अटेंटिवली पढ़ बेटा ऐसे थोड़ी होता है क्लास में तो दिमाग तो तो नहीं क्लास में क्लास में तो दिमाग नहीं लगा रहे जरा सभी लगाओ बेटा सब अब इस पहले पूरे साइकिल को हम रिवाइज करेंगे फिर हम आगे की प्रोसेस को पढ़ेंगे ठीक है बच्चों बहुत ही सिंपल सी है इसका सबसे पहले तो ट्रिक टू रिमेंबर देख लेते हैं सी आई नो सम सिंपल फॉर्मूला मेकिंग ऑप्शंस ये ट्रिक टू रिमेंबर है सारे स्टेप्स ऑफ क्रेप साइकिल सी से सिट्रिक एसिड ये क्या हो जाएगा बेटा सिट्रिक एसिड आई से क्या हो जाएगा आइसोसाइट्रेट जो अभी हमने बनाया है के सी क्या हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड ये हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड एस क्या हो जाएगा सक्सिनाइल कोएंजाइम सक्सिनाइल को एंजाइम ए और फिर ऐसे क्या हो जाएगा सक्सिनिक एसिड सक्सिनिक एसिड ऐसे क्या हो जाएगा फ्यूमरेट या फ्यूमेरिक एसिड फ्यूमरेट या फ्यूमेरिक एसिड एम से क्या हो जाएगा मैलिक एसिड या मैलेट ठीक है तो यहां पे हम लिख सकते हैं मैलेट ओ से क्या हो जाएगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ऑक्सैलो एसिटेट या एसिटिक एसिड

आई एम टीचिंग स्लो ये मुझे भी पता है कहीं ना कहीं मेरे मन में कि अभी इतनी स्पीड नहीं बन पा रही है बट आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट योर टाइम तो इस करके मैं आप यहाँ पे पढ़ाने आ गई हूँ चलो स्लो है कोई नहीं बच्चे अपने पढ़ लेंगे इट इट माई आर्म हैज सो मच स्वेलिंग मैं अपना हाथ ऊपर करती हूँ तो इतना कल रात में तो आई हैड ह्यूज पेन इन माई आर्म क्योंकि पूरा यहाँ पे स्वेल कर रखा है पूरा पकौड़ा बन गया सच बताया तो यहाँ पे हाथ बिल्कुल इस टाइम पकौड़ा है जिन बच्चों ने वैक्सीन लगाई उन्हें जरूर पता होगा हाथ पकौड़ा हो जाता है बट कोई नहीं चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि जो हमारे अंदर का जो जज्बा है वो इन सब चीजों से कहीं ज्यादा है जैसे मैम पढ़ाने आ रही है बेटा वैसे आप लोग भी ये वैक्सीन वैक्सीन का नाटक ना खेले आराम से पढ़िए ठीक है बी अ फाइटर इन योर लाइफ डोंट बी अ लूजर इन योर लाइफ ठीक है यस अभी ऐसे पकौड़े तो बहुत होते हैं कभी खा लेते हैं हम है ना कभी यहाँ पे आ जाते हैं क्या फर्क पड़ता है चलो बेटा आ जाओ तो यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन तो यहाँ पे अगर देखे तो ये छह कार्बन फिक्स्ड कार्बन यहां पे पांच कार्बन तो यानी इस स्टेप पे क्या हुआ होगा बेटा डीकार्बोक्सिलेशन यानी दिस इज अ फर्स्ट स्टेप व्हिच इंडिकेट्स डीकार्बोक्सिलेशन ठीक है फिर पांच कार्बन से ये बना चार कार्बन यानी दिस इज अ सेकंड स्टेप जहां पे हुआ होगा डीकार्बोक्सिलेशन ठीक है फिर ऑक्सैसिनल कोएंजाइम थाबना सबसिने क्या से ये भी फोर कार्बन फोर कार्बन फोर कार्बन फोर कार्बन यानी टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में यस yes. <laughs> इस एग्जांपल के बाद तरबूज ठीक है तरबूज ये बैड हो गया यार बच्चो ये एग्जांपल सही नहीं था सॉरी <laughs> बच्चों ये ये थोड़ा बैड हो गया

ये जो है ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है ये वाला जो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट है ठीक है दो कार्बन का है जो किससे जुड़ गया ऑक्जेलो एसिडिक एसिड आसिट से जुड़ गया तो फोर प्लस टू सिक्स कार्बन का जो पहला मिला वो था सिट्रिक एसिड और एंजाइम का नाम क्या था बच्चों सिट्रेट सिंथेस यहां पे हम लिख लेते हैं सिट्रेट सिंथेस फिर उससे बनता है लिखा नहीं है फिर उसके बाद एल्फा कीटोरिक एसिड यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी निकली और एनर्जी मॉलिक्यूल भी तुम्हारे हाथ लग गया ठीक है फिर उसके बाद एल्फा कीटोग्लुटारिक एसिड से आपने बनाया जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली फिर सक्सिनाइल पोइनजा से आपने बनाया है वैसे टक्सनिक एसिड्स है जब हम मैलिक एसिड बनाते हैं तब आपको एफएडीएच2 मिलता है मैलिक एसिड से ऑक्सेलोएसिटिक बनाते हैं तो एनएडीएच मिलता है तो कैलकुलेशन दिखा दूं चलो आप डायरेक्ट कैलकुलेशन देखते हैं यहां पे कितने एनएडीएच मिल रहे हैं 3 एनएडीएच 1 एफएडीएच2 1 जीटीपी इस साइकिल से यही पता लगता है आप कैलकुलेशन सिखाते हो तुम्हें चलो लेट्स स्टार्ट विद द कैलकुलेशन आ जाओ बेटा तो मैं आप एग्जाम्पल्स कराएंगे इस चैप्टर को याद करने का तरीका यही है कि कैलकुलेशन समझो और उसके बाद धमाकेदार क्वेश्चन करो अब क्वेश्चन टाइम शुरू हो चुका है तुम्हारा सबसे पहले कैलकुलेशन ग्लाइकोलाइसिस इस चार्ट को बना लेना बेटा ग्लाइकोलाइसिस लिंक रिएक्शन क्रैप साइकिल एटीपी एनएडीएच, कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है बच्चों हमने तीन चीजें यहां पे लिखी है क्योंकि हमें हर चीज की कैलकुलेशन करनी है बढ़िया तरीके से क्या मेरी हेल्प करने वाले हैं बच्चों मतलब सत्रह सो बच्चे बैठे हैं कुछ जानवान नहीं है तुम्हें कुछ खा पी के नहीं आएगा आज मंगलवार के दिन है भाई नहीं यार मंडे है कुछ खा पी के नहीं आए तुम लोग ऐसे पढ़ो बेहोश बिल्कुल क्या हो गया कुछ हो गया है क्या कुछ नहीं हुआ है अस्सी दिन बचे एग्जाम के लिए बस ये हुआ है एनर्जी का है कम ऑन अब आ जाओ देखो इधर अच्छा लिख रहे हैं कोई ना कोई नहीं आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी ठीक है ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी कितना बना था चलिए जल्दी बताइए एनएडीएच कितना बनता था Blackology में एटीपी कितना बनता था इस वाले को जल्दी से बताइए ब्लॉक नंबर वन बताइए सबसे पहले टेल मी द ब्लॉक नंबर वन यस ब्लॉक नंबर वन बताइए तो टोटल यहां पे दो एटीपी मिलते थे दो एनएडीएच मिलते थे जीरो कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है ये हो गया ना इतना नेट बता रहे फिर नेट बाद में कैलकुलेट करेंगे यहां पर चलो नेट लिख लेते हैं नेट ए टीपी तो नेट एटीपी कितना हो गया थ्री इंटू टू और टू थ्री इंटू जीरो सिक्स सेवन एट एट ए आ गया आया कि नहीं आया समझ में बिल्कुल सही नी वेरी गुड कृतिका गलत यहीं से पिटाई टू टू जीरो अब आते लिंक रिएक्शन अगर लिंक रिएक्शन की बात करें तो एटीपी कितना मिलता है एटीपी टी जीरो मिलता है

साइकिल में एक मॉलिक्यूल से एक एसिटाइल को से एक जीटीपी मिलता है तो दो से कितने मिलेंगे दो पूरे ग्लूकोज की कैलकुलेशन कर रहे हैं ठीक है एक एक में एक से तीन मिलते हैं तो थ्री इंटू टू सिक्स मिल गए कार्बन डाइऑक्साइड एक साइकिल में दो बार कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं। तो दो साइकिल में चार बार निकल गई टू इंटू टू यानी फोर ठीक है और इसी के साथ साथ एफ भी तो निकलता है ठीक है तो यहीं पे लिख लेते हैं एफ एक साइकिल में एक निकलता तो दो साइकिल में दो निकल गए तो वन इंटू टू यानी टू क्या यहां तक हम सही है तो नेट एटीपी बताएंगे सब बच्चे टू सिक्स थ्री जा अठारह अठारह प्लस दो बीस ठीक है टू टू जा फोर ट्वेंटी फोर एटीपी ट्वेंटी फोर एटीपी तो टोटल कितना हो गया फ्रॉम वन ग्लूकोज टोटल एनर्जी यील्ड टोटल एनर्जी यील्ड फ्रॉम ग्लूकोज वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज चलिए ऐड कीजिए चौबीस और छह तीस थर्टी एट ए थर्टी एट एटीपी क्या हमने कैलकुलेशन सही किया मेरे बच्चों सही कैलकुलेशन किया आप कहेंगे यस yes, मैम यही कैलकुलेशन है क्वेश्चन करा दू धाकड़ से अब एक दो क्वेश्चन हो जाए क्या कहते हो अब एक दो क्वेश्चन हो जाए उससे हमें पता लग जाएगा कितना कॉन्सेप्ट बना रहे हो तुम लोग ना हेयर कम से जी स्क्वायर क्वेश्चन सन्नाटा सन्नाटा बच्चे पढ़ने आए जेन्युइनली मैं बता दूं बाकी बच्चों को जो स्पैम करने आते हैं क्या बात है मेरे बच्चों क्या बात है मतलब क्या कहना अरे मेरे लिए एक शब्द मैं तुम्हारे लिए एक शब्द यूज करना चाहती हूँ हूं नालायको घोर कलयुग जो बच्चे आंसर 14 दे रहे हैं वो अपने नाम के आगे ये बनाएंगे चलिए जल्दी बनाइए आप देखो सब गिरगिट बनते हुए क्लास में आप सब गिरगिट यहां पे आ जाएंगे राइट right आंसर ऐसा है तुमसे सीधा सीधा सवाल पूछा गया एक्स्ट्रा दिमाग लगाने को तुमसे किसने कहा मैं बस ये पूछ रही हूं सीधा सवाल सीधा जवाब नहीं तुम्हारे तो मन में तो हमेशा ये डर रहता है ना कि पता नहीं क्या पूछ रहे हैं क्या पूछ रहे हैं हमको तो नहीं पता क्या पता टेढ़ा कर दिया क्वेश्चन

सोच को ना अपनी ठीक करो गलत सोच तो तुम लोग हमेशा यस yes. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इस पर 嗯。Yeah. आंसर चलो 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 यस 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 कम ऑन किड्स कम ऑन डरो नहीं डरो नहीं डरो नहीं बस क्वेश्चन को मैम ने उल्टा कर दिया है आपसे सवाल किसी भी लैंग्वेज में पूछा जा सकता है सीधा भी और टेढ़ा भी आपको हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना है आपको एंड प्रोडक्ट भी पता होना चाहिए आपको शुरू वाला प्रोडक्ट भी पता होना चाहिए यस ठीक है बच्चों कम ऑन एवरीवन क्या बात है देखो बच्चे फोड़ दिए ना आंसर शानदार ट्रू लव माई किड्स आर माई ट्रू लव बिल्कुल सही आंसर दिया बच्चे बच्चों ने आंसर इससे कैलकुलेट कर सकते थे ठीक है yes. यस ये भी गलत है ये भी छे होगा आ, दिस ये भी सिक्स होगा ये भी six होगा पकड़ा नहीं चलो वैसे तुमने काफी सही सॉल्व कर दिया यहाँ पे क्वेश्चन बनाते बनाते थोड़ा सा मैं कंफ्यूज आ गई बट आपने ये बिल्कुल सही किया है तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जब हम कंप्लीट ऑक्सीडाइज करते हैं तो थ्री टू जन सिक्स 6 मिलते हैं तो यहां पे यहा दिया हुआ है आपने एक्स कैलकुलेट करना है तो अठारह वेरी गुड बच्चों वेरी गुड आई एम सो प्राउड ऑफ यू एक क्वेश्चन और हो जाए पता नहीं पहले क्वेश्चन में तुम लोग हमेशा गलती करते हो तुम्हें जब तक तुम मैम की डांट का स्वाद ना चख लो तुम लोग आंसर ही नहीं देते क्या बात है यस आंसर ही नहीं देते तुम लोग पता नहीं क्या हो गया नीट पोस्टपोन कर खेल खेलना है हम नहीं खेलते आई एम सॉरी चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री और करेंगे कैलकुलेटर लेके आएंगे कल से हम कैलकुलेट फोन कहां है भाई फोन का फेक है रुको फोन लेकर आ रहे फटाफट से जब जब तक तो तो तुम कैलकुलेट करो आंसर आंसर कैलकुलेट करो फोन लेके आ रहे फटाफट से भाग के लेकर आए फोन देख लो स्पीड कितनी है मैम की क्लास में भी यस यस कैलकुलेटर लेके आ रहे हैं. क्या ना हम तो फिजिक्स पढ़ेंगे गौरव सर से उस दिन सीखेंगे हम ये सब यस yes. बता रहे हैं माँ फोन भी खराब है आंसर ओ बा ओ तेरे बाबा बाबा ये आंसर तो हमरे नहीं आया बच्चे बहत्तर कह रहे हैं हम आंसर ये नहीं दिए हैं ई का अरे बाबा ये क्या हो गया हम लग रहा है गलत कैलकुलेट कर दिए ये बाबा ये क्या हो गया <laughs> रुको नलायको है ना रुको अभी एक ऑप्शन चेंज करती हूँ रुको ये बाबा ये क्या हो गया क्लास में यूट्यूब पे झंड करा लिए बाबा <laughs> यस चलो ये बाबा चलो अब आंसर बताओ मैम बाबा अंजलि अलग ही है वो वन वन फोर आंसर दे रही है जो ऑप्शन ही नहीं है लेजेंड्स <laughs> क्या बात है बच्चों क्या बात है क्या बात है क्या बात है तो यानी कि देखो तुमने मैम को भी करेक्ट कर दिया यानी तुम्हें समझ में आ चुका है यू आर डन विद्सेप्ट क्या बात है अरे बाबा बिल्कुल शॉक कर दिया हा मैम को क्या बात है क्या है। so बात है जी स्क्वायर आर्मी यार अमेजिंग तो टू मॉलिक्यूल्स जब हम एसिटाइल एसिटाइन ए के लेते हैं तो 24 एटीपी देता है तो यहाँ छह मॉलिक्यूल्स है यानी कि 24 को हम इंटू थ्री कर देंगे बहत्तर आंसर आ जाएगा उड़ी बाबा रॉकिंग अब आगे शुरू करें इसी के साथ चलिए आ जा चलो आ जाओ आगे चलते बेटा चलो अब इसको कर लेते मतलब आ गया समझ में पी बिल्कुल सही फोन आज ही पटक फेंक देंगे हम बता रहे आज ही नहीं फेंकेंगे यस वापस ले लेंगे पागल इतना फोन खरीदने में अब सात जन पैदा हो तब जाके ले पाएंगे चलो आ जाओ अब आते नेक्स्ट पे इसको पढ़ के खत्म करते मेरे बच्चों

ये भी एक तरह का क्या है न्यूक्लियोटाइड है बेटा बिल्कुल ना इन कपल रियाक्शन जी डीपीटेड टू जीडीपी सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम ए डीपी ऑल्सो देर आर थ्री पॉइंट इन द points, यानी तीन मिल रहे हैं एफ एडी जल्दी बताइए चार्टॉक्स में हाँ अभी बताएंगे बेटा दीपशा दीपा बिल्कुल सही है एफएडी की फुलफॉर्म सब लिखेंगे फ्लेवेन एडनीलियो टाइप दिस फ्लेवेन कम्स फ्रॉम राइबो फ्लेवन इटमिन बी नाइन ठीक है इनको याद कर लो ये सारे तुम्हारी इंपॉर्टेंट चीजें जो तुम कभी पढ़ते नहीं हो ढंग से नाउ द कॉन्टिन्यूट ऑक्सीडेशन ऑफ एसिड बाई साइकिल रिक्वायर्स अ कंटिन्यूड रिप्लेसमेंट ऑफ ऑक्लो एसिटिक एसिड द फर्स्ट मेंबर ऑफ द साइकिल द एडिशन इट आल्सो रिक्वायर्स रीजनरेशन ऑफ एनएडी प्लस एंड एफएडी ये दोनों ऑक्सीडाइज्ड है या रिड्यूस्ड है स्टार्ट बॉक्स में जल्दी से बार बार एक ही चीज को रिपीट करो यस yes. यस yes. अच्छा वो वाले नहीं आए जो आते हैं डब्ल्यू पी वाले इस क्वेश्चन में तो WP वाले नहीं आए मैं बता रही हूँ यूट्यूब बेटर प्लेटफॉर्म है यहाँ <laughs> पे ये सब नहीं चलता तुम्हारा तो ये एफ एडी प्लस और एनएडी प्लस क्या है ऑक्सीडाइज अभी, अभी, अभी इन्हें रिड्यूस होना है ठीक है बिल्कुल ना फ्रॉम NADH एंड FADH2 और ये दोनों क्या है ये दोनों रिड्यूज है क्योंकि इनमें हाइड्रोजन एडेड है तो ये दोनों क्या है रिड्यूज है क्यों ये दोनों है क्योंकि आप देख सकते हैं हाइड्रोजन एड हुई हुई है बिल्कुल तो पे देखो पूरी है. से? 4NAD, FAD, आप कहेंगे मैम लिया आप तो तीन पढ़ा रहे हो तब से है ना बबली कह रही है बबली के मन में यही सवाल चल रहा है मैम आप तीन पढ़ा रहे हो ऊपर एनसीईआरटी तीन लिखती है यहाँ पे चार क्यों है हाँ वैसे विटामिन बी नाइन इज फॉलिक एसिड राइबोफ्लेविन इज विटामिन बी इलेवन देखना पड़ेगा बेटा राइबोफ्लेविन सर्च करना ठीक है एक बार बी टू हाँ बी टू यस 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 ये बी टू होगा अब देखो बबली कहती है कि मैम यहाँ चार एनएडी क्यों है बेटा चार एनएडी इसलिए है बबली क्योंकि यहाँ पे पिरुविक एसिड से शुरू कर रहे हो पिरुविक एसिड क्या है लिंक रिएक्शन को आपने ऐड किया ठीक है यहां पे आपने लिंक रिएक्शन से शुरू किया बिल्कुल बी टू लिख तो दिए लिख तो दिए भाई बी टू क्या हो गया दिक्कत ठीक है अब यहां पे चार एनएडी हो गए हो गए पानी एडीपी प्लस पी आई माइट्रोकॉन्डल मैट्रिक्स हो रहा है आपको मिले थ्री सीओ टू आपका तीन सीओ टू क्यों निकला है क्योंकि दो क्रेप साइकिल में निकला है एक लिंक रिएक्शन में निकला है तो एक लिंक रिएक्शन में निकलता है सीओ टू दो क्रेप साइकिल में निकल रहा है 4 NADH H+ FADH2 ATP क्या ये रिएक्शन सबको क्लियर है बच्चों एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो कम ऑन किड्स अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने वाले हैं फाइनली आने वाले हैं बस ये और पढ़ ले सो वी हैव टिल नाउ सीन दैट ग्लूकोस हैज बीन ब्रोकेन डाउन टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एट मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH 2 ऑफ FADH2 हैज बीन सिंथेसाइज्ड बिसाइड जस्ट टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी इन TCA साइकिल तो चलिए अब आगे देखते हैं बेटा ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए हुए एंड दिस इज अट चक प्रोसेस जो बच्चों को कभी नहीं चमकता आज इसको चमकाने की कोशिश करेंगे आ जाओ इट्स नॉट हार्ड हार्ड इज hard बेटा इट्स नॉट हार्ड yes चलिए आइए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन दो चीजें हम वापस से करने वाले हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का एंड प्रोडक्ट होता है एटीपी यानी आप यहाँ पे एटीपी बनाने वाले हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जितने भी एंजाइम और कॉम्प्लेक्सेज है वो इनर मेमब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होती है इनर मेम्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होती है ठीक है बच्चों अब आते हैं यहां पे द फॉलोइंग स्टेप्स इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस आर टू रिलीज एंड यूटिलाइज द एनर्जी स्टोर्ड इन NADH एंड FADH2 अब क्या तुम्हारे एटीएम के पास पैसा है मान लीजिए हमारे चैट बॉक्स में है नेहा नेहा कह दे मैम मेरे पास बहुत पैसा है बहुत सब बच्चे कह रहे हो माय गॉड नेहा के पास इतना पैसा है ठीक है नेहा कहती है मैम बट सारा पैसे एटीएम में है क्या क्या करें हम कहे कोई नहीं हमें अपना कार्ड दे दे हम निकाल देंगे है ना तो हम क्या हो गए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्योंकि हम पैसे निकालने वाले हैं ठीक है ठेके? और जो तो सारे एटीएम है एटीएम क्या हो गया एन टू एंड एफ टू और ये सारी एनर्जी किसकी है नेहा की आपका काम है बस उसे एनकैश करना ठीक है भाई नेहा के बाद बहुत पैसे मेरे बच्चों तो यहाँ पे आपको ये बात समझनी है कि हमने एफ डी बना दिया आरडी बना दिया हमने सब पैसा जोड़ दिया बट द अल्टीमेट गोल इज टू प्रोड्यूस एटीपी एटीपी चाहिए पैसा हाथ में चाहिए पैसा ठीक है यस yes, बिल्कुल दिस इज अकम्पलिस्ड वेन दे आर ऑक्सीडाइज थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये तभी हो सकता है जब हम नेहा से उसका कार्ड ले पिन नंबर ले और खिसक ले ठीक है बच्चों बिल्कुल तो ये तब तक पॉसिबल है जब आप ऑक्सीडाइज करो इन दोनों को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू and the electrons are passed on to oxygen और finally ये नेहा के पास नहीं जा रहे पैसे ये कहीं और जा रहे हैं कहां जा रहे हैं तो तुम जानो नालायक को तो ये सारे सारे जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फाइनली कहां जाते हैं ऑक्सीजन के पास जाते हैं रिजल्टिंग इन तो द फॉर्मेशन ऑफ पानी और फिर धुआं धुआं धुआ. नेहा को पता था तुम चालबाज हो नेहा ने कॉल किया अजी ऐसा है हमारा कार्ड चोरी हो गया है ब्लॉक कर दो आप रह गए ठल्ले के ठल्ले है ना यस तो जब ये गुजर रहा था तो इलेक्ट्रॉन उछल रहे थे जैसे इलेक्ट्रॉन उछल रहे थे तो इस सारे इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ने पकड़ा और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके पानी बना दिया तो तुम्हारे मंजूबों पे भी पानी फिर गया ठीक है बच्चों द मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को जो पकड़ रहा है वो कौन है द द मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको क्या कहते हैं बेटा वी कॉल दिस एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक है इट इज प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनएडीएच

जिसका नाम क्या है एनएडीएच डीहाइड्रोजिनेस और इसी कॉम्प्लेक्स में एंट्री किसकी होती है इसमें कौन एंटर करेगा एनएडीएच टू एंट्री ऑफ एनएडीएच टू और यहां पे खेल शुरू होगा किसका खेल शुरू शुरू होगा इलेक्ट्रॉन उछालने का तो यहां पे इलेक्ट्रॉन उछालने का खेल शुरू होगा ठीक है अब देखते हैं कैसे खेल होगा वो अभी हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे ठीक है अब देखते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स आर देन ट्रांसफर टू यूबी लोकेटेड विद इन द इनर मेम्ब्रेन तो यहां पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर टू है वो क्या है आपका यूबी कॉम्प्लेक्स टू यूबी क्यूनॉन कहा प्रेजेंट है विद इन इनर मेम्ब्रेन विद इन इनर मेम्ब्रेन तो जो इलेक्ट्रॉन वहां उछला उसे कैच किसने किया यूबी किनॉन ने मेरे साथ वापस बोलेंगे बेटा ठीक है यस yes. मैम के साथ वापस बोलेंगे सबसे पहले एनएडीएच टू कहा गया कॉम्प्लेक्स नंबर वन एनएडीएच एडीएच के पास उसने इलेक्ट्रॉन उछाला इलेक्ट्रॉन कहा गया इलेक्ट्रॉन उछल के आया यूबी किनोन के पास कहां पे आया यूबी किनोन के पास ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट चलिए यूबी किनोन

जल्दी बताइए चैट बॉक्स में अगर एफ को एंटर करना है तो वो हमेशा कॉम्प्लेक्स टू से करेगा NADH2 को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करना है तो वो हमेशा करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर से कॉम्प्लेक्स टू का नाम है यूबिकुनॉन ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट पे द रिड्यूस यूबिक्यूनॉन यूबिकोनॉल तो यूबिकोनॉल क्या होता है यूबिकोनॉल कुछ नहीं बल्कि रिड्यूस्ड यूबिक्यूनॉन होता है यूबिक्यूनॉन का मतलब है कि इसमें हाइड्रोजन ऐड हो चुका है ठीक है इस देन ऑक्सीडाइज विद ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम सी वाया साइटोक्रोम बी वन कॉम्प्लेक्स ठीक है तो अब यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर थ्री कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स थ्री यहां पे लिखेंगे कॉम्प्लेक्स थ्री में क्या क्या है मेरे बच्चों कॉम्प्लेक्स थ्री में है बी एंड साइटोक्रोम सी क्या है साइटोक्रोम सी ये समझ में आया कॉम्प्लेक्स वन क्लियर कॉम्प्लेक्स टू क्लियर कॉम्प्लेक्स थ्री क्लियर कॉम्प्लेक्स वन ने उछाला इलेक्ट्रॉन गया कॉम्प्लेक्स टू में इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स टू से गया कॉम्प्लेक्स थ्री में कॉम्प्लेक्स थ्री में क्या है बीसी वन एंड सी ठीक है बिल्कुल अब आते हैं नेक्स्ट पे साइटोक्रोम सी ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनटी में पांच बार क्वेश्चन पूछ चुका है मैं भी कंफ्यूज हो जाती थी और मैं भी अपना कंफ्यूजन क्लियर करूंगी साइटोक्रोम सी इज अ स्मॉल प्रोटीन अटैच टू द आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन एंड एक्ट एज मोबाइल कैरियर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छुपी हुई लाइन जबरदस्त क्वेश्चन कि जो आपका साइटोक्रोम सी है ये जो है ये क्या होता है इट्स अ प्रोटीन ये प्रोटीन है जो कहां पे प्रेजेंट है आउटर सरफेस ऑफ इनर मेमब्रेन पे प्रेजेंट ऑन आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन, आउटर सरफ़ेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है बच्चों? एंड इट ऑल्सो एक्ट एज अ मोबाइल कैरियर ये मोबाइल कैरियर की तरह भी काम करता है अब आते नेक्स्ट पे ठीक है आइए फॉर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कॉम्प्लेक्स थ्री एंड फोर तो यानी इलेक्ट्रॉन को अगर थ्री से फोर में आना है तो किसकी मदद से आएगा साइटोक्रोम सी की मदद से आएगा कॉम्प्लेक्स फोर रेफर्स टू साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेस तो कॉम्प्लेक्स फोर का नाम क्या है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेस ये नाम है उसका ठीक है कंटेनिंग साइटोक्रोम ए एंड ए थ्री एंड टू कॉपर सेंटर्स और इसके अंदर क्या होता है ए

ठीक है बच्चों वेरी इजी अब आते हैं नेक्स्ट पे वेन द इलेक्ट्रॉन वेन इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम वन कैरियर टू वायर कॉम्प्लेक्स टू इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दे आर टू सिंथेस अब यहां देखने वाली बात क्या है वेन इलेक्ट्रॉन पासिस फ्रॉम कॉम्प्लेक्स वन टू फोर अभी इलेक्ट्रॉन उछल रहे हैं वन से लेके फोर के बीच में ठीक है इलेक्ट्रॉन कहां से कहा उछल रहे हैं बेटा वन से लेके फोर के बीच में इलेक्ट्रॉन उछल रहे हैं ठीक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में नाउ दे आर कपल टू एटीपी सिंथेस अब ये कपल हो जाएंगे किसके साथ एटीपी सिंथेस के साथ विच इज कॉम्प्लेक्स नंबर फाइव तो कॉम्प्लेक्स फाइव आपका क्या है एटीपी सिंथेस एटीपी सिंथेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी फ्रॉम एटीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और इस कॉम्प्लेक्स का फाइव का काम क्या होता है प्रोडक्शन ऑफ एटीपी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फाइव प्रोडक्शन ऑफ ए टीपी ये इसका काम होता है ठीक है नाउ द नंबर ऑफ ए टीपी मॉलिक्यूल सिंथसाइज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कि कौन सा डोनर है उस पर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ ए टीपी कितना बन रहा है मान लीजिए आपके पास चार एन ए टू है तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनर है तो कितना एटीपी बनेगा सांबा सांबा कितना एटीपी बनेगा अगर इलेक्ट्रॉन डोनर एन है तो यहां पे बनेगा फोर इंटू थ्री बारह ए वहीं पे इलेक्ट्रॉन डोनर एफ है तो फोर इन टू टू आठ ए समझे सांबा कि नहीं समझे तो इलेक्ट्रॉन डोनर पे डिपेंड करेगा कितना एटीपी बनेगा क्या ये चीज सबको क्लियर है ये वाली लाइन very important line next oxidation of one molecule of NADH gave rise to three molecules of ATP likha hai. while that of one molecule of FADH produces two molecules of ATP Yeh bhi although the aerobic process of respiration takes place only in the presence of oxygen and the role of oxygen is limited to the terminal stage of process. तो इस पूरी प्रोसेस के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए बट ऑक्सीजन पूरी प्रोसेस में ना काम करके टर्मिनल स्टेज पे चाहिए बिकॉज द अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बिकॉज दिस इज अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो उछलते 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 कहीं तो बैठेगा कहां पे बैठेगा ऑक्सीजन पे बैठेगा ठीक है ओ माई गॉड रश्मि लिख रही है यू आर इग्नोरिंग मी आज सब तो मैं सुनती थी मैम यू आर इग्नोरिंग अस आज खेमो भी सुन रहा है oh my God. भाई खेमो जलवे रहे हैं भाई तुम्हारे है भाई खेमो तहलका मचायो है पूरे YouTube पे खेमो को फैन क्लब ना बन जाए बन सकता है भाई बन सकता है खेमो खेमो है हमारे स्टार स्टार खेमो चलो जहा मजा ही लेंगे खेमु अपना बच्चा बुरा नहीं मानता इसलिए उससे मजाक करते हैं ठीक है थीके? चलो आ जाओ Yet the presence of oxygen is vital since it drives a whole process by removing hydrogen from the system. Oxygen, ये अब मेन लाइन है जो एग्जाम में आती है ऑक्सीजन एक्ट एज अ फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर तो जो हाइड्रोजन के साथ हम खेला खेली कर रहे थे तब से उसे फाइनली किसने एक्सेप्ट किया उसे एक्सेप्ट किया हाइड्रोजन ने तो बेटा देखो हाइड्रोजन को सबने निकाला हाँ, अर्थ फरमाया है हाइड्रोजन को सबने निकाला

रिवाइज करें फटाफट से पूरा प्रोसेस जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में बता दो मैं पानी पी लेती हूं बेटा सब भाग जाएंगे फोर पीएम वाली भरत बिल्कुल क्लास होगी दो से पांच ट्वेंटी वन वालों का टेस्ट है ट्वेंटी टू और ट्वेंटी थ्री की क्लास होती है चार बजे ठीक है अब आओ इधर मेम्ब्रेनस स्पेस यानी यहां पे होगी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेंब्रेन ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेंब्रेन दोनों के बीच में इंटर स्पेस ये है मैट्रिक्स मैट्रिक्स में हुई थी आपकी क्रेप साइकिल और क्रेप साइकिल में आपको मिले थे एनएडीएच टू ठीक है कॉम्प्लेक्स वन कॉम्प्लेक्स वन इज एनएडीएच डीहाइड्रोजीनस जहां पे आप देख सकते एनएडीएच एच टू आया NAD+ प्लस बन गया तो पीछे क्या रह गया दो एच रह गए ये दो एच आप देख रहे हैं यहां पे हमने बाहर फेंक दिया आप कहेंगे मैम चार कैसे हो गए आपका सवाल भी सही मैम क्या आप दो कह रहे हो और यहां चार दिखा रहे हो मैम धोखा ठीक है मैम पिक्चर अलग है ये एन की नहीं है क्या ये की नहीं है जल्दी बताओ तो चैट बॉक्स में एनसीआरटी की नहीं ये बताओ ये एनसीआरटी की नहीं है क्या भाई न्यू एनसी आज अब हम नई एनसीआरटी लेकर आए तो पुरानी एनसीआरटी कह रहे हैं अच्छा करे तो करे क्या खुद डिसाइड कर लो ना खुद डिसाइड कर लो करे तो करे क्या हाँ भाई हमारा गलती थोड़ी है नई एनसीआरटी ने लिया डाउनलोड करो फोटो खींच के लगा लो हम तो यही पढ़ा के जाएंगे अब चलो अब देखो यहाँ पे आप कहेंगे चार क्यों है चार इसलिए बेटा क्योंकि यहाँ पे टू मॉलिक्यूल्स एनएडीएच टू बनते हैं ठीक है अब आगे आपका चार हो गए ना फोर एच प्लस और यहाँ पे कितने एंटर हो गए दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन एंटर कर गए अब सिंस ये दो इलेक्ट्रॉन एंटर कर गए तो कॉम्प्लेक्स वन से यूबी किनॉल यूबी किनॉल के थ्रू आगे कॉम्प्लेक्स थ्री में तो ये कॉम्प्लेक्स टू है दिस इज योर कॉम्प्लेक्स टू ये कॉम्प्लेक्स टू जो किससे बना होता है यूबी किनोन से यूबी किनोन से और इसी यूबी किनोन से एंटर करता है आपका एफ एडीएच टू एफ टू ठीक है चार एच प्लेस बाहर निकल गए चलो जी निकल गए तो निकल गए अब ये देखो ये फिर से ये अब गया कॉम्प्लेक्स थ्री में कॉम्प्लेक्स थ्री क्या साइटोक्रोम बी वन ठीक है अब यहां से इलेक्ट्रॉन वापस जा रहे देखिए भाई क्या की है टू कैसे आ गया यहां पे कुछ गड़बड़ है क्या फोटो में रुको यार थ्री टू एंड फोर यहां पे एंटर करेगा आपका एफ एडीएच टू यहां पर एंटर करे एफ एडीएच टू यूबी क्यूनॉन ये सही है क्या बच्चों हम्म ये वाला बेटा अभी हम इसको देखेंगे लेट मी कंफर्म फ्रॉम न्यू एनसीआर आई विल टीच दिस पार्ट लेट मी गो थ्रू दिस एक बार मैं कंफर्म कर लेती हूँ क्योंकि मैंने भी पुरानी एनसीआरटी से ही पढ़ रखा है सच बताओ तो यस yes. दो एपीडीएच टू कॉम्प्लेक्स बनाया क्यों बनाया लेट मी सी हाँ सही होगा मैं आपसे खुद कह रही हूँ बिल्कुल सही हो सकता है बट आई वुड बी नीडिंग सम टाइम टू एक्चुअली अंडरस्टैंड माई सेल्फ की इसमें दो कॉम्प्लेक्सेस क्यों है क्योंकि मैंने भी पुरानी एनसीआरटी से पढ़ा हुआ है ठीक है डोंट वरी बेटा आई टीच यू दिस तो इसको फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे कोई दिक्कत नहीं है ये तो कुछ बचा ही नहीं है चैप्टर में कल की आधे घंटे की क्लास होगी क्या कल कुछ और भी कराना पड़ेगा मतलब कोई नहीं बेटा कल आपको मैं ये वापस बता दूंगी आई एम सॉरी फॉर दिस हाँ कोई नहीं बेटा आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो होनसीआर ने जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा डिफरेंट है तो एक बार मैं इसको खुद भी देख लेती हूँ फिर मैं आपको पढ़ाती हूँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आई एम सॉरी बच्चो फॉर दिस ठीक है मैं एक बार गलत पढ़ाने से अच्छा कि मैं एक बार खुद आराम से बैठ के पढ़ लूँ फिर मैं आपको समझाऊं क्योंकि मैंने भी हमेशा पुरानी एनसीआरटी से ही पढ़ा है बट आई मैं एक बार गो थ्रू कर लेती तो हूँ टेन मिनट्स लगेंगे फिर उसके बाद मैं आपको कल की क्लास में पढ़ा देती हूँ सुबह ठीक है चलो फिर तो आज लेक्चर ओवर करना ही पड़ेगा इम्पोर्टेंट तो था ही ये चलो बेटा कल मिलते हैं इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे रेस्पिरेशन फिर उसके बाद प्लांट ग्रोथ एंड हॉर्मोन है उसके बाद हम स्टार्ट uh, करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज ह्यूमन वेलफेयर फिर हम ये सब शुरू करने वाले हैं तो ट्वेल्थ कंप्लीट हो जाएगी बाय दिस मंथ फिर उसके बाद हमारे कुछ चैप्टर्स बचेंगे उसके बाद हम सेल यूनिट शुरू करेंगे फिर उसके बाद हमारी इलेवेंथ की मेजर यूनिट कम्प्लीट हो जाएगी जो सबसे स्कोरिंग यूनिट्स है

प्योर टाफिकेशन चैप्टर उसको हम लास्ट में ले रहे हैं कि जैसे कि हम आपको यहाँ रटवा दे और आप वहां जाके निकल दें उगल दे बस ठीक है हम यहाँ पे आपको निकलवा देंगे वहां पे आप उगल देना बस यही चीज आपको करनी है इसलिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आपको चार बजे वाली सीरीज में आना पड़ेगा बट अगर आपको वन शॉर्ट्स करने हैं तो आपको सुबह ही आना पड़ेगा मैम के साथ ठीक है बेटा चलिए बाय बचो टेक केयर सी यू आर टेस्ट देना मेरे साथ रिजल्ट भी शेयर करना आई बी वेटिंग फॉर यू किड्स टेस्ट का लिंक वहां पे दिया हुआ है जीएनई &E ट्रेफरल कोड लगा सकते हैं अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो वहाँ पे टेलीग्राम चैनल भी दिया हुआ है नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे बाय किड्स, टेक केयर